निजी स्कूलों वालों तालाबंदी दौरान फीसां वसूलन के मामले से हाई कोर्ट में सुनवाई टली सोमवार तक वकीलों का दावा आएगा फैसला मापियां के हक में। कोरोना संकट काल दौरान निजी स्कूलों वालों फीस वसूलन के मामले च पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट वालों हुण सुनवाई सोमवार को होगी। इस मामले की जानकारी दिंदिया मापिया ते सरकार दे वकील आर एस बैंस का यह दावा है कि इस मामले ते पहला किते एक बैंच वालों फैसले नू बदलन दे आसार भी नज़र आ रहे ने अते नाल ही आर एस बैंस का यह भी दावा है कि आने वाला फैसला लोगों के हक विच आवेगा अते स्कूलों नू इस मामले विच झटका लगन दे भी आसार ने। आर एस बैंस का कहना सी कि जस्टिस आर के जैन अते जस्टिस ए के वर्मा की डिवीजन मोहरे इस मामले के मापिया पक्षी वकीलों ने एक बैंच के फैसले नू एक पासड़ फैसला करार दिंदे हुए कहा कि जद के दूजे राजां दे इस मामले ते केस अजे पेंडिंग पए ने, इसके बावजूद फैसले विच एक पक्ष भारू रहा है, जबकि उन्होंने हुण यह कहा है कि फीस संबंधी फैसले लैना सूबा सरकार कोल नीतिगत फैसले लैण दा हक है। उन्होंने कोर्ट में दस्या कि असीं तीन अपीलां कीतियां और सब तो बहुत सोहणे ढंग नाल दस्या कि हालांकि तीन केसेस सी पंजाब दे स्कूलां दे, हरियाणा दे स्कूलां दे और चंडीगढ़ दे स्कूलां दे। चंडीगढ़ स्कूलों से हरियाणा स्कूलों को कोई रिलीफ नहीं मिली गई, उन्होंने पटीशन पेंडिंग है, मगर पंजाब के स्कूलों की पटीशन अलग सुन के डिसाइड कर दी गई। सो उस हिसाब न होर भी किसी देश के विच किसी भी हाईकोर्ट ने इदा इंस्ट्रक्शन ठीक मानिया, मगर उसके बावजूद भी सिंगल जज ने पंजाब के केस डिसाइड करते और ये फाइंडिंग भी नहीं दी कि जेड़ा ऑर्डर के खिलाफ है, जिस कॉज के खिलाफ है कि इन्ना खिलाफ है, इन्ना गलत है कि कोई सेन बंदा इदा का ऑर्डर ना पास कर सके, क्योंकि कानून के मुताबिक जे किसी हाई कोर्ट ने इंटरफेयर करना हो पॉलिसी डिसीजन दे विच, जिहड़े कि एमरजेंसी पॉलिसी हो तो तीन ग्राउंड से कर सकता कि सरकार को पावर नहीं। उन्होंने दसिया कि सिर्फ मानते हैं कि सिंगल जज साढ़े को पावर, उन्होंने यह भी दसिया कि दूसरी ग्राउंड यह है कि कोई प्रोसीजरल गलती हो जाए, ये कोई पॉइंट आउट नहीं की कि कोई प्रोसीजरल गलती है, एमरजेंसी एक्ट सानू पावर देंदे, असीं पॉलिसी बनाई है। तीजी ग्राउंड है कि इरैशनल है, इरैशनल मीनस कि इन्ना बेतुका, इन्ना विज्ञान के खिलाफ कि कोई भी जो समझदार बंदा या कोई भी जो दिमाग ठीक है कोई यह ऑर्डर पास करेगा। जे तक कोर्ट इस कंकलूजन पहुंचता है कि इन्ना माड़ा ऑर्डर है कोई दुनिया में बंदा यह ऑर्डर पास ही नहीं कर सकता, फिर तो समझो कि साडा ऑर्डर खिलाफ है, तुसीं क्वेश्चन करो। पर तुसीं आप पढ़ रहे हो ऑर्डर सिंपल कह रहा है कि एमरजेंसी सिचुएशन है, तुसीं ट्यूशन फिर उदो ही लो जेडे स्कूल ट्यूशन दे रहे ने, सीधी जी गल है, तो जेडी चीजा तुसीं कर ही नहीं रहे उन्हां दी फीस नहीं लो, सारा मामला सिंपल है, सीधा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पीबीसी न्यूज़, चंडीगढ़।